नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 पास हो गया है, लोकसभा से पास हो गया है संशोधन बिल। गृह मंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया और ध्वनिमत से यह बिल पारित हो गया। तो लोकसभा में पारित हुआ संशोधन बिल, जम्मू कश्मीर संशोधन पुनर्गठन संशोधन बिल 2023 पास हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने यह बिल पेश किया और उसके बाद लोकसभा से पारित हो गया है अब यह बिल। इस वक्त की बड़ी खबर, माननीय उनकी पीड़ा का हम कल्पना नहीं कर सकते, जो करोड़ों रुपए का प्रॉपर्टी वहां छोड़कर जान बचाने के लिए कहीं बेंगलुरु, कहीं अहमदाबाद, कहीं दिल्ली, कहीं जम्मू में जाकर कैंप में रहे हैं, अपने स्तर से बहुत नीचे जीवन जी रहे हैं, इनकी पीड़ा की कल्पना हम नहीं कर सकते बाकी के देश के हिस्से में रहकर। मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढा, नया कानून बनाया और वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वापिस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। ये पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ था वो भी बताया और अब क्या हुआ वो भी बताया। और बहुत बोले हो, धैर्य रखना सुनने का, आज जरा धैर्य रखकर सुनना। और मेरा निवेदन है, जितने बैठे हैं, कम ही बैठे हैं, चले ना जाए। मान्यवर, मैं एक बात कहता था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रह रहे, पढ़ते तुम भी वो स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। यार ऐसा मत करो यार, अधीर रंजन जी ऐसा मत करिए, आप माननीय विपक्ष के नेता है। मैं जरा भी पढ़, अरे आपके बारे में नहीं बोल रहे वे, माननीय अधीर रंजन जी आपके बारे में नहीं बोल रहे। प्लीज प्लीज, मान्यवर मैं इनको बताना चाहता हूं, आजकल करते करते मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए, मैंने आज तक कभी पढ़ा हुआ लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं। सनातन विवाद के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस के लिए 2024 से पहले नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि उदयनिधि की पार्टी के सांसद ने बीजेपी को गौमूत्र स्टेट वाली पार्टी कह दिया है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो ये तक कह दिया कि ये लोग विभाजनकारी एजेंडा चला रहे हैं और टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस अपना समर्थन दे रही है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। 2023 के विधानसभा चुनाव में सनातन मुद्दा बन गया है। नरेंद्र मोदी ने सनातन पर कांग्रेस को ऐसा घेरा कि तीन राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। कांग्रेस के हर मुद्दे की हवा निकल गई। इस मुद्दे ने कांग्रेस का वो हाल कर दिया जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन 24 से पहले एक और मुद्दा जन्म ले चुका है और वो है गोमूत्र स्टेट का, जिसे भी जन्म उदयनिधि की पार्टी ने दिया है। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India, you see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power. DMK सांसद सेंथिल कुमार ने गोमूत्र स्टेट का जिक्र कर उस विवाद को जन्म दे दिया है जिसमें भारत को बांटने की राजनीति है, जिसमें देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश है और इस साजिश को अंजाम तक पहुंचने से पहले बीजेपी ने हाथों हाथ ले लिया है और एक बार फिर डीएमके के साथ कांग्रेस को निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा वे अपने अहंकार, झूठ और अज्ञानता से खुश रहें, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। तो सीएम योगी ने भी विभाजनकारी ताकतों से देश की जनता को सावधान रहने की नसीहत दी है। जो लोग आज भारत विरोधी गतिविधियों के माध्यम से समाज को विभाजित करते हैं,
भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। हमें अपने देश को मजबूत करना है, जिससे बाबा साहब का मिशन और देश का मिशन है, और व्यक्ति का मिशन नहीं, देश का मिशन है, भारत की मजबूती का मिशन है, भारत की एकता और अखंडता का मिशन है, भारत को दुनिया की एक ताकत बनाने का मिशन है। सनातन विवाद के बाद बैकफुट पर आई कांग्रेस के लिए अब नई मुश्किल शुरू हो गई है, और ये मुसीबत 24 के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि डीएमके सांसद सेंथिल कुमार के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है। कि कुछ लोग टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हैं, वो भारत के किस टुकड़े पर राज करना चाहते हैं, लेकिन हम वो हैं जो भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, भारत को एकजुट रखेंगे। आप उस बयान के बाद आज को भी देख लीजिए, ये स्पष्ट तौर पर नजर आता है कि इनकी सोच हिंदू को, हिंदी को और सनातन धर्म को नीचा दिखाने की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला घमंडिया गठबंधन, इसका घमंड और अहंकार पराजय के बाद भी चूर चूर नहीं हुआ। ये स्टालिन पिता पुत्र और उनके कुनमा और राहुल गांधी के कुनमा जिस ढंग से सनातन पे प्रहार कर रहा, सनातन की पहचान है, भारत की पहचान है गौ और गंगा, और गौमूत्र का मजाक अगर उड़ाया है तो अपने पुराने कांग्रेसी लीडर ऑस्कर फर्नांडिस का राज्यसभा का बयान देखे, मैंने आज दिया है। जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। यानी डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना के बाद गौमूत्र वाले बयान पर अब घमासान मचा है। मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल की सियासी दुकान पर डीएमके ने ताला लगाने का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि जो नतीजे तीन राज्यों से आए वो इस बात की गवाही देने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing. जो सनातन को खत्म करना चाहेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित को साधने के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। परिनिर्वाण दिवस पर सीएम योगी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी और कहा कि अंबेडकर का अपमान करने वालों के बारे में गांव गांव जाकर बताना होगा। तो वहीं मायावती ने भी बाबा साहेब के नाम अपने कोर वोटर्स को खास संदेश दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, जिसे ठान लेते हैं उसे करके दिखाते हैं, और इसी संदेश के साथ वो एक बार फिर जनता के बीच जनता की बात कर रहे हैं। मौका भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस का था, जिस पर सीएम योगी ने यूपी के पिछड़े दलित और वंचित समाज को बिना भेदभाव के विकास का मंत्र दिया। हमने पहले भी कहा कि सरकार हर गरीब के साथ, हर वंचित के साथ, हर दलित के साथ खड़ी है, उनको उनका अधिकार देने के लिए तैयार है। कोई मुसहर के बारे में पूछता था प्रदेश में? बनटांगिया के बारे में कोई पूछता था? चेरो, थारू, कोल, तब कोलों का इतिहास सबका, जब अकबर राम सिंह का इतिहास है, कोई पूछता था? एहरिया, सहरिया, ये सभी ऐसी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, छोटी छोटी समुदाय हैं, एक सीमित क्षेत्र में हैं। आवाज दबा दी जाती थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनके उत्थान के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी। 70 साल तक इनको वोट देने का तक अधिकार। सीएम योगी ने बीजेपी पर समाज के सभी वर्गों के लिए बिना किसी भेदभाव के काम करने का दावा किया। उन्होंने कहा, पहली बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जाति मत मजहब को महत्व दिए बिना एक नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, और यही बीजेपी सरकार की पहचान है। हालांकि इस मौके को भुनाने की कोशिश मायावती ने भी की, लेकिन वो सिर्फ उनके आवाज तक ही सीमित रह गया, और लिखा, लगभग 140 करोड़ की आबादी वाले भारत के गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों,
अति पिछड़ों समेत उपेक्षित बहुजनों के मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लेकिन देश के 81 करोड़ से अधिक गरीबों को पेट पालने के लिए सरकारी अन्न को मोहताज होना होगा। ऐसी दुर्दशा आजादी का सपना नहीं था। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते समय कभी ये नहीं सोचा था। दरअसल मायावती अपने वोट बैंक को साधने के लिए बाबा साहेब के संकल्प को वक्त वक्त पर याद दिलाती रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने दलितों को साधने की पूरी तैयारी कर ली है। भीमराव अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम फिर बाबा साहेब के नाम पर करवाने की बात कही और इसी के साथ बड़ा संदेश भी दे दिया। उत्तर प्रदेश में 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आते ही, क्योंकि कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम उस समय पर पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से ही हुआ करता था, तो सब सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी के गुंडों के द्वारा वहां के ऊपर लगा हुआ बोर्ड जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से था, उस बोर्ड को तोड़ा ही नहीं गया, उसको अपमानित किया गया। और साथ ही साथ पहली कैबिनेट की बैठक में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उस मेडिकल कॉलेज का नाम बदल दिया गया। हम लोगों ने आग्रह भी किया और आज हम लोग यह संकल्प भी लेते हैं कि अतिशीघ्र उसका नाम पूर्ववत पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से कर दिया जाएगा। यानी एक तरफ मायावती भीमराव अम्बेडकर के सहारे अपनी राजनीति को मजबूती देने में जुटी है, तो दूसरी तरफ अब बीजेपी भी अम्बेडकर के नाम पर सियासी हथियार को धार दे रही है और उन योजनाओं का मैसेज दिया जा रहा है जिसके तहत बिना भेदभाव के लोगों को लाभ मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।